जब सरकार अपन लोग बनाते हैं तो अपने साथ अन्याय क्यों? एक साल बाद फिर से चुनाव है, ये मुख्यमंत्री और विधानसभा, फिर आप लोगों का बैठना मुश्किल हो जाएगा। दबेंगे नहीं किसी से, तो मैं छात्र संघ अध्यक्ष भी किस काम का? तो अपने को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। मैं राजस्थान से पधारी हुई समस्त युवा तरुणाई को प्रणाम करना चाहूंगा, नतमस्तक होके। मंच पर राजस्थान पूरे प्रदेश के गणमान्य नेतागण, आदरणीय बड़े भाई मुकेश जी भाकर और पूरे राजस्थान के कोने कोने से पधारे विधायकगण, किसान कौम के लिए, ओबीसी आरक्षण के लिए, प्रदेश के प्रत्येक युवा शक्ति की लड़ाई लड़ने के लिए आज राजस्थान से पूरे प्रदेश के कोने कोने से जिस तरीके से युवा तरुणाई इस राजधानी के अंदर मुख्यमंत्री जी को और प्रशासन को हिलाने के लिए, उनको असलियत से वाकिफ कराने के लिए आज जिस प्रकार से आई है, ये राजस्थान की राजधानी के अंदर ओबीसी आरक्षण के साथ, ओबीसी वर्ग के साथ जो अन्याय हुआ है उसके खिलाफ लड़ने के लिए आज बड़े भाई मुकेश जी भाकर के साथ जब लड़ाई लड़ने के लिए चले थे, यहाँ पहुंच रहे थे धरना स्थल पे, तब युवा तरुणाई रास्ते में मिल रही थी, तब मुकेश जी को कह रहे थे छात्र शक्ति के, भाई साहब आपने तो कई सालों से किसान वर्ग और प्रदेश और देश के कोने कोने से आए हुए युवा साथियों की हमेशा मजबूती से लड़ाई लड़ी है, यह अन्याय कब तक सहन करेंगे? जब छात्र संघ अध्यक्ष बन के राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर में छात्र शक्ति के बीच में गया था तो छात्र शक्ति ने एक ही बात कही थी कि ओबीसी युवा वर्ग के साथ जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है वो सहन नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। आज वो दिन आ गया जब प्रदेश की मजबूत युवा तरुणाई मजबूती से सूर्य भगवान की इस तपती हुई भूमि पे बैठी है, तो लग रहा है वाकई में अपने साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। अपन मजबूती से लड़ेंगे तो अपने को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ है। सरकार युवा शक्ति जन शक्ति तो बनाती है, जब सरकार अपन लोग बनाते हैं तो अपने साथ अन्याय क्यों? अपन अपने हकों की लड़ाई तो लड़ सकते हैं। सरकार का आज धर्म यह बनता है, आज इस जन सैलाब को देखते हुए युवा तरुणाई के साथ यह अन्याय करना बंद करे, नहीं तो इसका नतीजा अच्छा नहीं रहेगा। एक साल बाद फिर से चुनाव है, युवा जोश के बारे में राजस्थान सरकार और राजस्थान का प्रशासन भली भांति से वाकिफ है। उन लोगों से मेरा आप लोगों के और मंच के माध्यम से एक ही निवेदन है कि यदि इस प्रकार से हमारी आवाज को नहीं सुना तो सड़क पे संघर्ष करने के लिए निकलेंगे। ये मुख्यमंत्री और विधानसभा के आवास के चारों ओर ये जन सैलाब भी मिलेगा, फिर आप लोगों का बैठना मुश्किल हो जाएगा। क्या अपने को अपनी क्या अपने को अपनी भाई दो मिनट बोल लूं, क्या आप लोगों को अपनी ताकत पे संदेह है? क्या अपने साथ कोई अन्याय कर पाएगा? तो ये कम समय की बात है कि इस राजस्थान के इस हुजूम को और राजस्थान के प्रत्येक कोने कोने के अंदर बैठे ओबीसी युवा वर्ग के साथियों को दुखी करना, प्रताड़ना करना सरकार और ये प्रशासन बंद करे। राजस्थान सरकार के इस प्रशासन से मेरा एक ही गुजारिश है कि हमारे साथ जल्द से जल्द अन्याय करना बंद करे, नहीं तो हम लोगों को सड़क पे उग्र आंदोलन करना पड़ेगा, आप लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसका तरीका गलत होगा, प्रदेश का नाम भी खराब होगा और हम लोगों को भी
थोड़ा दुखी होना पड़ेगा, लेकिन हम लोग हार नहीं मानेंगे, दबेंगे नहीं किसी से, मजबूती से लड़ेंगे। हम लोग किसान कौम के उस परिवारों में जन्म लिया है जो बोलना सीखने के साथ साथ खेत में जाना सीख लेते हैं। तो प्रदेश प्रदेश के इस कोने कोने से आई हुई युवा शक्ति को मैं बताना चाहता हूं कि सरकार या तो झुक के इस कानून में वापस जो बदलाव किया गया है उसमें बदलाव कर दे, और अपने को अपने हकों की और अपनी मजबूती की जो आवाज है उसको इसी प्रकार अपन लोगों को बुलंद रखना है। और जब जब ये सरकार अपने साथ अन्याय करेगी, अपन मजबूती से लड़ेंगे और ताकत के साथ लड़ेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और जब तक अपने साथ यह अन्याय सरकार करती रहेगी, अपन अगली बार मंच पे नहीं सड़क पे उतरेंगे मजबूती से लड़ने के लिए। मैं आप लोग इतना प्यार प्रेम और आशीर्वाद दे रहे हो छात्र संघ अध्यक्ष, यदि ये लोग इस बात को अपनी सही तरीके से नहीं मानते तो मैं छात्र संघ अध्यक्ष भी किस काम का, आप लोगों के बीच में ही उतर जाऊंगा। मैं इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आगे आने वाले वक्ताओं का स्वागत करूंगा, और आप लोगों को फिर से बारंबार प्रणाम करना चाहूंगा, क्रांतिकारी प्रणाम। धन्यवाद।